हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हैं रिसर्च असम यूट्यूब चैनल। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पबजी ट्रिगर्स दिखाया था, जो कि ये है जो मैंने अनबॉक्स किया था और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। बट इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आपको अपने फ़ोन में ये ट्रिगर्स यूज़ करना है और किस तरीके से आपको पबजी खेलना है। और एक चीज़ मैं क्लियर बताऊँगा कि आपको क्या पबजी ट्रिगर्स खरीदना चाहिए, क्या पबजी ट्रिगर्स से आप प्रो बन सकते हैं, पूरा रियलिटी बताऊंगा, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर बताता है असल में, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा इन ट्रिगर्स का राज। तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ए टू सेट असम को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे आपको पबजी खेलना है ट्रिगर्स के मदद से, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जल्दी से। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ से आपको कंट्रोल पे क्लिक कर लेना है, कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए और ये जो फायरिंग वाला ऑप्शन है इसको आपको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। अगर आप ये वाला फायरिंग लेके जाना चाहें तो यहाँ पर लेके जाइए, और अगर आप ये वाला ऑप्शन लेके जाना चाहिए जूम वाला तो आप यहाँ पर लेके जाइए। इसका साइज़ जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और इसका भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद आपको ये वाला जो ट्रिगर्स है, ये जो ट्रिगर है इसको आपको यहाँ पर फिट कर लेना है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से फिट करना है, और आपको यहाँ जो बैक में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, तो उसको आपको लगा लेना है, और इधर से आपको इसको भी इस तरीके से फिट करना है। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर्स फिट, और मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ सेट, और ये हो गया हमारा ट्रिगर। तो यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एग्जिट करता हूँ मैं। अभी मैं आपको एक ट्रेनिंग सेंटर लेके चलता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे आपको खेलना है इससे, और इससे क्या आपको सचमुच फ़ायदा होगा, क्या आप प्रो बन सकते हैं, मैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को आगे वीडियो में। तो चलिए अब हम ट्रेनिंग सेंटर में चलते हैं, और इससे कितना आसानी होता है खेलने में, कितना मज़ा आता है इससे खेलने में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हम लोग आ गए हैं ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से मैं एक गन पिक कर लेता हूँ पहले, तो मैं लेता हूँ डीपी। तो मैंने डीपी ले लिया है, 30 MO है, बहुत है, अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाना है। मैं कोई भी स्कोप पिक नहीं करूँगा, फिर भी ले लेता हूँ स्कोप, मैं 4.6x ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला जो राइट हैंड है यहाँ पर मैंने जूम वाला ऑप्शन रखा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। तो ये अब जब इस राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जूम आ जाता है, और फायरिंग तो देखिए यहाँ पर फायरिंग हो रहा है। आप इससे इसका मदद और एक चीज़ ये है कि आप हिल के फायरिंग कर सकते हैं, जो प्रो प्लेयर देखते हैं आप तो वो हिल के फायरिंग करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से आप फायरिंग कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम और है, जब आप खेलेंगे किसी एनिमी आपके सामना ये होगा, आपको रिस्पॉन्स टाइम मैटर करता है, आप कितना फास्ट फायरिंग कर सकते हैं इससे। बट मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप पबजी ट्रिगर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पबजी ट्रिगर से आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही स्लो हो जाता है, आप ज़्यादा फास्ट फायरिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको कभी भी एनिमी मार के जा सकता है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप पबजी ट्रिगर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप फ़ोन में जो स्क्रीन आता है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसी से खेलिए। और आप किसी टूर्नामेंट वगैरह में अगर आप खेल रहे तो भी आपको कभी नहीं देगा कंपनी कि आप पबजी ट्रिगर्स या एमुलेटर का यूज़ कीजिए। तो मैं आप लोगों को फिर से एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ पबजी ट्रिगर्स खरीदना बंद कर दीजिए, और आप डायरेक्ट खेलिए जिससे अच्छा होगा। मैंने ये जो ट्रिगर है मैंने ये ख़रीदा तो था, बट बहुत ही अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही कम है, जब आप फायरिंग करते तब फायरिंग नहीं हो पा रहा है, तो कुछ 2 या 3 सेकेंड का देरी है, 2 या 3 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकेंड का देरी होगा, और इतने में तो आपको एनिमी मार के जा सकता है। तो मैं इस ट्रिगर को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ट्रिगर असल में काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं आप लोगों के लिए इन टेक्नोलॉजी और गेमिंग से जुड़ा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।